हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ लैक्टोजन फॉर्मूला की, जो कि स्टेज वन है, और इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे दिया जाता है, कितनी क्वांटिटी में दिया जाता है। तो सबसे पहले ये लैक्टोजन जो कि नेस्ले कंपनी का है, ये ब्रांड बहुत अच्छी है और मैं अपने बेबी को यही दे रही हूँ। और ये स्टेज वन 1 to 6 मंथ के लिए होता है, मतलब 6 महीने के बच्चों को दिया जाता है 6 महीने तक। और जैसे कि आपको पता है कि सबको पता है कि मदर का मिल्क तो बेस्ट होता ही है, बट अगर किसी रीज़न से नहीं हो पाता है तो फिर कम मिल्क आता है मोम को, तो हमें बच्चे का पेट भरने के लिए हमें पिलाना पड़ता है। तो वैसे तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि 1 महीने तक के बच्चों को कितना मिल्क दिया जाता है और कैसे बनाया जाता है। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 1 मंथ के बच्चों को कितना दिया जाता है, कितना। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना मिल्क लेता है। हर किसी का अलग अलग होता है कि वो कोई ज़्यादा पीता है, कोई कम पीता है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप फीड कर रहे हो या नहीं, या टोटली इसी पर डिपेंड है तो उस पर होता है। जैसे मेरी सिचुएशन ये थी कि जो मेरा बेबी जब थर्ड मंथ में था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को मिल्क बहुत ब्रेस्ट मिल्क बहुत कम हो गया था। तो फिर मैंने ये यूज़ किया, तो मैंने हाफ़ ये देती थी और हाफ़ वो देती थी, वो पिलाती थी तो बस ये हो गया। यहाँ पे फीडिंग टेबल भी, अच्छे से समझ में नहीं आता तो फीडिंग टेबल भी दी हुई, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि 1 महीने के बच्चों को कितना दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 1st week, 2nd week, 3rd week, 4th week। तो यहाँ पे 1 महीने का है तो आपको 120 ml ऑलमोस्ट देना ही पड़ता है। तो उसमें आपको यहाँ पे लिखा है कि कितने बार, 2 दिन में 5 टाइम देना पड़ता है, और 6 टाइम भी अगर बिल्कुल नहीं लेता है, आपका ब्रेस्ट फीड बिल्कुल नहीं होता है तो 6 टाइम भी होता है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले वाटर बॉईल करना होता है, जो कि मैंने बॉईल कर लिया है पानी को, और ये सेलो बॉटल है तो इसके अंदर रख दिया है। तो जिस टेम्परेचर में हम पानी को रखते हैं उसी टेम्परेचर में ये वैसा का वैसा रहता है, एटलीस्ट 24 आवर्स तक वैसा ही रहता है। मैंने पानी को अच्छे से बॉईल किया और फिर गुनगुना, हल्का गुनगुना होने पर इसके अंदर भर दिया, ताकि बच्चे को भूख लगे तो हम सीधा बना दें और ज़्यादा टाइम ना लगे। सेकेंड चीज़ मैं बताऊँगी कि आप लैक्टोजन पाउडर को कभी लूज़ ना रखें, तो आप ऐसा एक टाइट कंटेनर ले और उसमें रखें, हमेशा सही रहेगा। और जो ये स्कूप लिखा है यहाँ पे, 4 स्कूप 3 स्कूप जो लिखा है इसमें, तो ये आपको जो इसके अंदर आता है इनबिल्ट, वही आपको यूज़ करना होता है। तो बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे अब मैंने ले लिया है 120 ml वाटर है, तो 120 ml में 4 स्कूप जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 30 ml वाटर में 1 स्कूप लैक्टोजन पाउडर डलता है। तो यहाँ पे ये मैंने 120 ml लिया है, तो इसमें अब मैं 4 स्कूप लैक्टोजन पाउडर डालूँगी। तो इस तरीके से ऐसे मैंने रखा है, तो यहाँ पे 4 स्कूप आपको लेना है। कोई घर का आप स्पून यूज़ ना करें, ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है, तो आप यही यूज़ करें। ये हो गए 4 स्कूप। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो कटोरी बाउल में भी बना सकते हैं, वैसे ये इजी रहता है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। एंड हाथ को अच्छे से धो ले आप, ये तो आपको ध्यान रखना ही होता है हाइजीन का, तो हाथ अच्छे से धो के, या फिर आप केप लगा के कर ले, लेकिन केप में थोड़ा लीकेज हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसे ही हाथ से करती हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें पाउडर के लम्स ना रहे। बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के, तो ये मैंने बनाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग तरीके से बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये मिल्क रेडी है बेबी को देने के लिए। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसे कैसे बनाना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सबका धीरे धीरे सबका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड आज के लिए बस इतना ही। सो अपना ध्यान रखें, अपने बेबी का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।